नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खासकर कह लें तो संथाल परगना के क्षेत्र में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं और यहां पे अपना डेरा जमाते नजर आ रहे हैं। वैसे में आज झारखंड में पहुंची है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य हैं हमारे साथ, आशा लगरा जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप मैम, आपने पूरा डेमोग्राफी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया है संथाल परगना में, क्या कुछ पाया है? देखिए, अगर हम संथाल परगना की बात करेंगे तो जिस तरह से आदिवासियों का रोटी बेटी और माटी का सवाल सामने उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज डर गए हैं और आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। जो आवाज़ भी उठा रहे हैं तो उनको मार दिया जाता है। कल की घटना ही आप पाकुड़ का देख सकते हैं, जिस तरह से आदिवासी हॉस्टल में घुस करके पुलिस ने लड़कों को लाठी डंडा से मारा है चोर की तरह, और उनको अभी इलाज चल रहा है, लड़कों का FIR तक नहीं हुआ। ऐसे कई आदिवासी समाज है जो डर के दुबक गए हैं और उनका जमीन लूटे जा रहे हैं, उनकी बेटियों को लूटा जा रहा है, और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी हावी है ऐसा मैं कह सकती हूँ। और मैं साहेबगंज की भी बात करती हूँ, वहाँ का खुद का मुसलमान लोग आने के बाद बताएं कि वहाँ का मुसलमान भी भयभीत है इन लोगों के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है उनका संरक्षण और सुरक्षण के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आयोग आज खड़ी है और उनको जरूर से जरूर न्याय दिलाएगी, उनके लिए काम करेगी। और ये घटना को लेकर के आयोग भी 2-3 दिनों के बाद में पाकुड़ का दौरा भी करेंगे और गहन एक अध्ययन और होगा, और इसका रिपोर्ट पुनः एक बार राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु निवेदन एक निर्देश करेंगे, और दूसरा राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऐसे करके हम लोग ने रिपोर्ट जमा करते हैं। अगर हम बात करते हैं, कई बेटियां हैं जो मुस्लिम से शादी की है, मुखिया बन गई है, तो आज जैसे ये कल की घटना बता रही हूँ पाकुड़ का, जिस जगह पर हुआ है आपका महेशपुर का गाय बांधा गाँव में, वहाँ पहले 2 परिवार मुसलमान था, अब 150 हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलता परिदृश्य सबको दिखाई दे रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। राज्य सरकार से बातचीत हुई है, क्या कुछ पहल करने वाले हैं राज्य? 31 तारीख को बैठक निर्धारित था लेकिन विधानसभा के कारण वो स्थगित हुआ है। अगला बैठक होगी तो सारा विषय सामने आ जाए। ये थी हमारे साथ आशा लकड़ा जी, जो बता रही थी कि झारखंड में डेमोग्राफी किस तरह से बदलती जा रही है और झारखंड में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो घुसपैठिए यहाँ आकर अपना डेरा जमाते नजर आ रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटते भी नजर आ रहे हैं। इस पे अब राज्य सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा जिससे कि घुसपैठी यहाँ पर नहीं मार सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।